नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं और अपने समय का उपयोग नई नई चीजों को सीखने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जरा बताइए तो आप जिस प्रदेश में रहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे कैसे हैं? यदि नहीं किया तो अब कीजिए और अपने क्षेत्र में पाए जाने वाली भूमि, मृदा तथा पेड़ पौधों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप केरल में रहते हैं और आपका मित्र गुजरात में, तो जरा बताइए कि क्या गुजरात और केरल में एक जैसी भूमि मिलती है? क्या गुजरात और केरल में पाए जाने वाली मृदा एक समान है? क्या दोनों प्रदेशों की जलवायु एक जैसी है? क्या गुजरात और केरल का किसान एक जैसी फसलें उगाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में पाए जाने वाली भूमि, मृदा तथा जलवायु एक समान नहीं है। इसी प्रकार यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाली भूमि, मृदा, जलवायु, वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। तो आज हम आपकी भूगोल की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 2 करेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं भूमि की। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, लेकिन इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। पृथ्वी पर भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या निर्जन हैं। इसका क्या कारण है? उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में जहां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा सघन वन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या सामान्यतः विरल है या वहां पर जनसंख्या नहीं रहती, अर्थात वह निर्जन है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना इत्यादि। किसी भी स्थान पर भूमि का उपयोग होगा या नहीं, यह भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कारक हैं स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता तथा जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि वह भूमि है जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन, घर इत्यादि। सामुदायिक भूमि वह भूमि है जिस पर समुदाय का स्वामित्व होता है और इस भूमि का उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारागाह, सरकारी अस्पताल, डाकखाना इत्यादि।
इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जैसे चारा, फलों, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लोगों की मांगें भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भी भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, गांव में कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए भूमि का अत्यधिक शोषण करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के लिए किया गया भूमि का दुरुपयोग पर्यावरण में कई तरह के संकट पैदा कर रहा है। भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अपने मम्मी पापा, दादा दादी या दोस्तों से बात करें और जानें कि पिछले कुछ सालों में भूमि उपयोग में आए परिवर्तन के बारे में वह क्या जानते हैं। उनसे मिली जानकारी को एकत्रित करके एक लेख लिखें। भू संसाधन का संरक्षण, इसका अर्थ है उन सभी उपायों को अपनाना जो भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा दें। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। दिन प्रतिदिन खाद्य, ईंधन, इमारती लकड़ी की मांग के कारण वनों की विस्तृत कटाई हुई है तथा भूमि का अत्यधिक शोषण हुआ है, जो आज कृषि के लिए भी एक संकट बन गया है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अतः वे सभी उपाय जो मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाएं, हमारी समृद्धि का आधार बनते हैं। कृषि भूमि की सुरक्षा तथा उसकी उत्पादन क्षमता को बनाए रखना न सिर्फ हमारा कर्तव्य है बल्कि एक अहम जरूरत भी है। भूमि संरक्षण के लिए कुछ सामान्य तरीके हैं, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का विनियमित उपयोग, पहाड़ी, मरुस्थलीय और पठारी क्षेत्रों में चरागाहों पर पशुधन की संख्या को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे वहां पशु अतिचारण न हो सके। अतिचारण के ऐसे क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में पाए जाते हैं। मृदा, मृदा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सॉइल शब्द से हुई है और सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या है? अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बाहरी कारकों
जैसे पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु, पौधे और जीव जंतु द्वारा विघटित एवं अपघटित की जाती है। यदि सरल शब्दों में कहें तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय निर्माण की दर, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मिट्टी अथवा मृदा जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया में जो कारक जिम्मेदार हैं, उनमें सबसे पहले है जनक चट्टानें। लाखों वर्षों के पश्चात चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त अवशेष से ही मृदा का निर्माण होता है। इसमें लंबे समय तक रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाओं के बाद ही मृदा का निर्माण होता है। चट्टान में जिस प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, मृदा में भी वही पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला कारक है उच्चवच। पर्वतीय ढलानों और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा ढाल के कारण पानी के माध्यम से बह जाती है, जिस कारण मृदा की गहराई कम होती है। वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में मृदा की गहराई अधिक होती है। साथ ही तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पानी के बहाव के कारण जैव पदार्थों का जमाव भी नहीं हो पाता है। अगला कारक है वनस्पति और अन्य जैविक पदार्थ। वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मृदा में मिलकर मृदा को पोषण प्रदान करते हैं। जिस किसी भी मिट्टी में जितनी अधिक मात्रा में वनस्पति एवं अन्य जैव पदार्थ मिले होंगे, उस मिट्टी की पोषकता उतनी ही अधिक होगी। जलवायु। जलवायु के प्रमुख तत्व तापमान और वर्षा भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील रहते हैं, इस कारण जीवांश पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता। वहीं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा से नमी गायब हो जाती है। समय। मृदा का निर्माण कई प्रक्रियाओं के तहत होता है। यह प्रक्रिया काफी लंबे समय की होती है। जिस किसी भी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया मृदा जितनी पहले शुरू से है, पांच तत्वों से मिलकर बनती है, अधिक खनिज पदार्थ 40 से 45 प्रतिशत, मृदा की परिपक्वता या कार्बनिक पदार्थ समय पर भी 5 से 10 प्रतिशत, मृदा जल ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणुओं की मुख्य भूमिका होती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया जा रहा है, यह मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। मृदा परिच्छेदिका क्या है? किसी मिट्टी की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक लंब खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। जरा बताइए,
क्या भारत में सभी भागों में एक जैसी मृदा मिलती है? नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाली मुख्य मृदा प्रकार हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। यह चित्र जो आप देख रहे हैं मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मृदा कैसे बनती है। यहाँ मृदा को चार स्तरों पर बांटा गया है। सबसे पहले है जनक चट्टाने। यह मृदा या मिट्टी का अंतिम स्तर है। इस स्तर पर केवल कठोर चट्टाने होती हैं, जिन्हें जनक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। फिर आती हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। यह मृदा का तीसरा स्तर है, जिसका निर्माण वस्तुओं के गलने व सड़ने से होता है। उसके बाद बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा। यह मिट्टी का दूसरा स्तर होता है। इस स्तर की मिट्टी थोड़ी रेतीली तथा थोड़ी मुलायम होती है। इस स्तर पर फसल की तथा घास की जड़ें जमी होती हैं। और उसके बाद ह्यूमस तथा वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। यह मृदा मिट्टी का पहला स्तर होता है, जिस पर आम तौर पर फसल या घास होती है। अब बात करेंगे कि मृदा का क्षय या निम्नीकरण कैसे होता है। मृदा के तत्वों में कमी होने से तथा मृदा के अपरदन होने से मृदा के गुणों में कमी आ जाती है, जिसके कारण मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण तथा फसलों पर पड़ता है, जिसके कारण मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। मृदा के गुणों का कम होने का जिम्मेदार मनुष्य तथा प्रकृति दोनों ही हैं। मृदा निम्नीकरण के मानवीय कारकों में मुख्य हैं वनोन्मूलन, अति पशुचारण, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, निर्माण कार्य, खनन कार्य इत्यादि। भूस्खलन अर्थात चट्टानों के गिर जाने से तथा बाढ़ आ जाने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। सड़कें, रेल मार्ग, पुल, भवन निर्माण के समय मिट्टी की खुदाई की जाती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। खनिजों को जमीन से निकालने के लिए जब खुदाई की जाती है, उससे भी मृदा अपरदन हो जाता है। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक हैं जल, वायु, हिमानी, समुद्री लहरें इत्यादि। जब लगातार वर्षा होती है तो उससे मृदा के तत्व घट जाते हैं। नदियों के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, इसलिए जल मृदा अपरदन का मुख्य कारक है। वायु बंजर या वनस्पति रहित क्षेत्रों में हवा की गति अधिक होती है, जिस कारण मिट्टी का अपरदन होता है। भारत के राजस्थान में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। हिमानी बर्फ की नदियाँ अपने मार्ग या आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव करती हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। समुद्री लहरें तटीय क्षेत्रों में मिट्टी
या चट्टानों का कटाव करती हैं, जिससे मृदा अपरदन हो जाता है। अब हम मृदा संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे। मृदा संरक्षण की विधियां हैं मल्च बनाना। खेत में लगे पौधों को जमीन के चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरह से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं। इस तकनीक से खेत में पानी की कमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण को रोकने में मदद मिलती है। यह तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है और खेत में होने वाली खरपतवार से भी इससे बचा जा सकता है। वेदिका फार्म या जिसे हम टेरेस कल्टीवेशन भी कहते हैं, वेदिका फार्म के द्वारा खेती करके भी मृदा का निम्नीकरण होने से बचाया जा सकता है। वेदिका फार्म के द्वारा खेती ऊपर से नीचे की ओर तेजी से आते हुए ढलान पर की जाती है। ऊपर से नीचे आते हुए ढलान पर खेती इसलिए की जाती है कि फसल को उगाने के लिए सीधा व सपाट स्थान मिल जाए। इससे मृदा का अपरदन तथा निम्नीकरण कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, इसे करके भी मृदा के गुणों को कम होने से बचाया जा सकता है। यह जुताई पहाड़ों के सबसे ऊंचे ढाल पर की जाती है तथा इस पद्धति में पहाड़ों से बहने वाले जल को रोकने के लिए समान ऊंचाई वाली रेखाओं से एक प्राकृतिक रुकावट बनाई जाती है, जिससे मृदा का क्षय कम होता है। रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाओं के द्वारा वृक्ष लगाकर भी मृदा की हानि होने से रोका जा सकता है। इस विधि में पेड़ों को एक पंक्ति में सीधा लगाया जाता है, जिससे तटीय प्रदेशों तथा शुष्क प्रदेशों से आने वाली हवाओं को रोका जा सके। इस पद्धति को अपनाने से मृदा के बिना ढके हुए स्थान पर तेज हवाओं का असर नहीं होता तथा मृदा का संरक्षण होता है। चट्टान बाधा, इस विधि में पानी को तेजी से बहने से रोकने के लिए चट्टानों के द्वारा बाधाएं तथा अवरोधक बनाए जाते हैं। चट्टान बाधा बनाने से नालियों की रक्षा होती है तथा मृदा का क्षय भी नहीं होता। बीज की फसल उगाकर, इस पद्धति में अलग अलग प्रकार की फसलों को एक पंक्ति छोड़कर दूसरी पंक्ति में उगाया जाता है। इस पद्धति को अपनाने से मृदा पर वर्षा दोहन का असर नहीं होता तथा मृदा की सुरक्षा होती है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, इस प्रणाली में पहाड़ पर पत्थर, घास तथा मृदा का उपयोग करके बाधाएं बनाई जाती हैं और इन बाधाओं के जरिए पानी को इकट्ठा करने के लिए खाई भी बनाई जाती है। इससे मृदा तथा जल दोनों का संरक्षण होता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, आपने उनका उत्तर देना है। इन प्रश्नों का उत्तर आपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर देना है। पहला प्रश्न है, मृदा संस्तर की सबसे ऊपरी सतह में किस पदार्थ की अधिकता होती है? बालू, ह्यूमस, गाद या क्ले? सही उत्तर है ह्यूमस। दूसरा प्रश्न है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है
रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि, ऊपर लिखी गई सभी विधियां। तो सही उत्तर है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वेदिका कृषि। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि का उपयोग भी बढ़ता है, जिसके कारण भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है, भूमि की गुणवत्ता कम होती है, भूमि की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता, भूमि की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। सही उत्तर है, भूमि की गुणवत्ता कम होती है। चौथा प्रश्न है, लोग सदा ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां सुंदर सुंदर दृश्य पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं, रोजगार की उपलब्धता होती है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। सही उत्तर है, लोग सदा ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां रोजगार की उपलब्धता होती है। पांचवा प्रश्न है, आपके घर के आसपास बहुत से वृक्ष हैं। एक दिन आप देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक वृक्ष काट रहे हैं। आप क्या करेंगे? उन्हें रोकेंगे, वन विभाग को सूचित करेंगे, अनदेखा कर देंगे, अपने माता पिता को बताएंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। और अब आपके लिए कुछ और प्रश्न। आपके विचार से भूमि का संरक्षण क्यों आवश्यक है? दूसरा प्रश्न, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप मृदा संरक्षण में क्या योगदान दे सकते हैं? इस बात की चर्चा अपने दोस्तों से करें। तो आज हमने बात की भूमि तथा भूमि का उपयोग, भूमि का संरक्षण, मृदा, मृदा परिच्छेदिका तथा मृदा संरक्षण के बारे में। आशा है आप समझ गए होंगे कि मिट्टी जो फसलों के रूप में सोना उगलती है, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए उसका संरक्षण कितना जरूरी है। क्योंकि यदि धरा नहीं होगी तो सब धरा रह जाएगा, और यदि धरा को ना बचाया तो शायद जीवन मृत हो जाएगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और लोगों में जागरूकता लानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।